बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सब खैरियत होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सुबह सुबह भाई बाहर निकले थे मॉर्निंग वॉक के लिए, सोचा कि चलो बाहर निकलते हैं अपने गांव में। फजर की नमाज अदा की थी, नमाज अदा करने के बाद फिर मैं बाहर आया था कि चलो जाके मॉर्निंग वॉक करते हैं। वैसे मैं करता डेली हूँ, लेकिन ये कि सुबह की जो ठंडी ठंडी खुशबू होती है, जो ठंडी ठंडी हवा होती है ना, वो दिल को सुकून देती है। ये तकरीबन एक हफ्ता पहले मैंने बताया था कि जिन्होंने ये गोभी लगाई हुई है और साथ में मटर लगाए हुए हैं, ये देखें कितने माशाल्लाह रूज पे पहुंच चुके हैं। और आगे टोटली तो दूर दूर तक आप देखें तो आपको गोभी ही नज़र आएगी। सुबह सुबह जब भी मैं बाहर आता हूं तो कच्ची सब्जियां खाने का अपना मज़ा है, या तो मूली खाएंगे या फिर कच्ची गोभी खाएंगे, या उसके अलावा गन्ना होता है वो आज सिर्फ मूली चलेगी या शलजम चलेगा। शलजम खैर नहीं अभी दिल कर रहा, लेकिन मूली खाने के लिए मैं आऊँ। क्या कुछ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और ये टोटली दूर दूर तक मूलियाँ ही लगी हुई हैं। सूरज भी तलू हो चुका है और ये गांव का बाहर का सीन है, माशाल्लाह देखें बहुत खूबसूरत। तो ये एक मूली लगी हुई है, इसे मैं निकालता हूँ। आ जा भाई, ये टूट गई है। चलो यही हिस्सा खाने वाला होता है इसका। मूली फ़िलहाल अभी थोड़ी गंदी है और पानी का इधर बंदोबस्त नहीं है, तो लिहाजा हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। वो कौन सा है कि जो शबनम के कतरे पड़े होते हैं सुबह सुबह घास पे, उससे हम ये साफ करेंगे। ये देखें, साफ होगी भाई मूली। ये फायदा ही है शिमले पत्थरों का। ये सारी देखें भाई गोभी, माशाल्लाह टोटली रेडी हो चुकी है। ये भी देखें, इसके अंदर अभी फल तो नहीं लगा, ये देखें, ये भी देख लें, लेकिन थोड़े कुछ दिनों तक फल लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल अभी खाली है ये अंदर से। इससे कबल मैं गालबन 10 दिन पहले आया था, तो ये मेरे पीछे जो पनीरी लगी हुई थी, ये समझ नहीं थे आ रहा कि इसमें क्या लगाया उन्होंने, लेकिन आज समझ आ रहा है उन्होंने क्या लगाया। ये देखें, ये पनीरी गोभी की, ये भी, और ये मेथी लगाई हुई है, ठीक है, ये मेथी, और साथ में उन्होंने लहसुन लगाया, वो दिखाते हैं आप। मूली का अपना मजा, सुबह सुबह कच्ची कच्ची सब्जी खाएँगे आप, सेहत आपकी बरकरार रहेगी। लेकिन मूली वाला पराठा इन दिनों में खाने का ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन मैं ज़्यादा खाता हूँ। उस दिन आया था लेकिन मूली नहीं मिली और आज दिल्ली कर रहा। खैर कल या परसों फिर इंशाल्लाह बनाएंगे दोबारा, ताकि डेली बेस पे तो आपको पता है कि बंदा खाता नहीं है। ये लहसुन की क्या रही है, ठीक है, ये देखें, इनमें लहसुन लगाया हुआ और मिट्टी जिसे हम सवा बोलते हैं वो डाली हुई, ताकि ये जल्दी से भरना शुरू हो जाए। ये सामने हमारे दरख्त है और ये हमारी ज़मीन है और ये दरख्त भी है। हमारे गांव में अमूमन सारी सब्ज़ियाँ लगती हैं, आलू की काश्त, उसके बाद शलजम, मूली, फिर मतलब मौसम के हिसाब से जितनी भी होती हैं सब्जियां, वो तमाम की तमाम हमारे गांव में लोग बीजते हैं, क्योंकि मंडी में लेके जाते हैं और दूर दूर से लोग भी आते हैं मंडियों में लेके। लेकिन इधर से ज़्यादातर लोग हमारे गांव में बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार लोग करते हैं, क्योंकि पूरा गांव जो है ना वो महर है, मतलब जिसे हराई बोलते हैं वो हैं। अब ये देखें, ये आलू की काश्त है, ठीक है, आलू लगाए हुए हैं तो ज़्यादा नहीं, एक एक लगाएं तो उसमें से तकरीबन चार चार पाँच पाँच निकल आते हैं। और ये बाहर के डेरे हैं, हवेली हैं। अभी चलते हैं जी घर को वापस और जाके फ्रेश होना है। नाश्ता आज किंगरे से करेंगे, क्योंकि दिल का राज घर में बिरयानी वैसे बनी हुई है रात की, लेकिन बिरयानी ज़्यादा नहीं खाई जाती, पेट ख़राब हो जाता है, इसीलिए किंगरा से नाश्ता करेंगे। उधर से नियामत भाई से मिलना है, उनसे कुछ काम है थोड़ा सा, वो करेंगे, उसके बाद फिर ड्यूटी पे चलेंगे। क्या ख्याल है आपका? ये चावल की गंदम देखें, कुछ पक चुकी है और कुछ अभी पकने वाली है। इसका मतलब ये है कि ये सुपरी होगी और वो जो पकने वाली वो सुपर है, यानी मिक्स इन्होंने लगाई हुई है। आधी ये साइड पक गई है और ये अभी हरी है। आईफोन से भाई सर मैं थोड़ा तंग आ चुका हूँ, वो इसलिए कि इसका रिजल्ट तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन इसका बैटरी बैकअप बहुत कम है। 50 था, अभी मैं बाहर गया हूँ, ब्लॉग मैं बनाना शुरू किया है तो 13% बैटरी बाकी रहेगी, 13% तो। लेकिन दिल नहीं करता से सेल करने को, इसमें बहुत सारी यादें भी हैं और ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट ही आईफोन से की है। अगर ऐसा कह लेंगे बोलना कुछ सीखा हो या वैसे कोई टैलेंट वगैरह, तो इसमें मेरी बहुत सारी यादें हैं। ये मैं सेल नहीं करूँगा, ये तब तक सेल नहीं करूँगा जब तक मैं वायरल नहीं हो जाता। मुझे अपना गांव दूसरे गांव के नस्बत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। हर बंदे को अपना गांव खूबसूरत लगता है, लेकिन भाई हमारा गांव सबसे अलग है। इसमें मुखलिस लोग भी आपको मिलेंगे और खूबसूरती भी मिलेगी बाहर से भी,
और अंदर से भी। घर में आ गया हूँ जी, और आज मुझे दो काम और भी करने हैं। इधर से ड्यूटी पर जाना है, ड्यूटी से फिर मैंने हॉस्पिटल जाना है, सिविल हॉस्पिटल, क्योंकि घर वाले उधर गए हुए हैं, सिस्टर गए हुए हैं और साथ वाइफ गए हुए हैं, तो थोड़ा सा काम है उधर भी। वो मुझे कह रहे थे कि जब आप ड्यूटी पे हो तो डायरेक्ट उधर आना। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं उधर आता हूँ। अभी मुझे फ्रेश होना है भाई, और नाश्ता करने के लिए जाना है किंगरे। उधर से मैंने आपको बोला कि नहमत भाई से थोड़ा सा मुझे काम है, वो भी करना है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर चलेंगे सियालकोट को। मौसम भी आज थोड़ा ख़राब है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन आने तो नहीं खैर, लेकिन थोड़ा थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है। ये फूल देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन इस घर ने हमारे घर की भाई तबाही कर दी हुई है। सारा का सारा टूट गया हुआ है, देख सकते हैं जितना गंद होता है। लोग ये वाले इधर फेंकते हैं, वो वाले इधर फेंकते हैं, ये सारा वो एंड तक देखें कितना भरा घर है, लेकिन छोड़ के चले गए। जी दा जनाब, रेडी में हो गया हूँ और नाश्ता मैंने कर लिया है। वो मैंने बिरयानी ही खाई थी, तो किंगराज से मिस कर दिया, लेकिन किंगराज जाना है मैंने, लेकिन वो मिस कर दिया कि भाई उधर से नहीं खाना, इसलिए मैंने घर से जो बिरयानी बनी थी वो मैंने खा ली। तो किंगराज वैसे मैंने जाना है नहमत भाई के पास, तो उनको सामान थोड़ा सा देना है। वो सामान कौन सा है? ये इस तौर में पड़ा हुआ जो सामान, वो नहमत भाई को देना है, तो वो थोड़ी देर तक देने चलते हैं, क्योंकि टाइम देख ले पीछे 9 होने लगे हैं, ये 10 मिनट आ गया है। 10 मिनट इसलिए आ गया था कि बंदा टाइम से निकले और टाइम से पहुंच जाए। दोनों इधर ही आ गए हुए हैं। बिलाल, ये कपड़े चेंज क्यों नहीं किए? हैं गंदे हो गए, ये गंदे हो गए, ठीक है इसे भी चेंज करो, चेंज करने के बाद फिर खेलो, ठीक है? तो वो अपने कब आने कुछ बातें करता, ज़्यादा बातें ये नहीं करता, लेकिन इंशाल्लाह कुछ देर तक, कुछ टाइम के बाद ये सारा कुछ सीख जाएगा बोलना भी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। कल थोड़ा टाइम लगेगा हैं? नहीं लगेगा, बोलना तो सही तो कहते नहीं यार, क्यों कैसा ना आज चले जाता स्कूल, क्यों नहीं गया? झूठ बोलता पे। हाँ ये रास्ता जा रहा है जी किंगरे को, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब था, अब किसी ने साफ कर दी है सारा का सारा। ये देखें ये है किंगरा की जगह। इससे कबल 2 दिन पहले मैं इधर से गुजरा था, लेकिन ये सारा का रास्ता बिल्कुल ही बारिशों की वजह से कुछ ट्रैक्टर वगैरह और सुबह जो जाते हैं मंडी लोग वो लेके जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। ये अब मेरे पीछे देखें तो बिल्कुल ही किसी ने ना ट्रैक्टर के साथ जो ब्लेड होता आगे वो लगा के बिल्कुल प्लेन कर दिया, ताकि आने जाने वाले के लिए आसानी हो सके। बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अब बेहतर हो गया। नियामत भी लगे हुए जी काम, क्योंकि इनका काम वर्कशॉप का ज़्यादा, तो ये देखें नियामत मोटर्स वर्कशॉप की ग्राम में इनकी दुकान है, गाड़ियों का काम करते हैं, ठीक है ना। ये भी काम लगे हुए हैं, तो कुछ सामान है वो उनसे लेते हैं आगे, ये लग के काम करते हैं। मैं आ गया था, लेकिन मैं हॉस्पिटल नहीं जा सका, वो इसलिए क्योंकि सिस्टर और वाइफ चेकअप करवा के वो वापस आ गए थे, इसलिए फिर मेरा सफ़र ख़त्म हो गया शोरूम तक ही, तो मैं अभी नहीं गया हूँ। वो मुझे बोलते हैं कि आप रहने दो, काम हो गया। मैंने कहा चलें ठीक है, तो वो चले गए थे गालबन 1 घंटा 1.5 घंटा, जब मैं ड्यूटी पे आया तब वो गांव चले गए थे। इधर औरतें कपड़े धोने के लिए आई हैं, और कुछ लोग फिश पकड़ने के लिए आए हैं। सारा दिन बैठे रहते हैं, हाथ कुछ आता नहीं इनके, और आज फिश लेके जानी थी, लेकिन फिश नहीं लेके जानी। रात को मैं लेके गया था मुर्गी के जो पंजे होते हैं, पहले हाथ को भेजा, लेकिन हाथ को कहीं से नहीं मिले, फिर मुझे खुद जाना पड़ा 2-3 शॉप से जाके, किसी से दर्जन किसी से 2 दर्जन, तो फिर मिल गया था गालबन 5 दर्जन हो गए थे। आज घर जाए खाएंगे। मैं अभी जा रहा हूँ जी बाज़ार शाहकोट में, उधर शौक भाई ने मुझे कहा है कि एक चप्पल लेके आनी है, वो बाहर भेजनी है आउट ऑफ कंट्री, वो होते हैं भाई ओमान, तो वो उसका पता करने चल रहे हैं कि अगर मिल जाती है तो उधर से ले के बाई करके, तो फिर एक दोस्त ने बाहर जाना है तो उसके हाथ भिजवा देंगे। जूते लेने के लिए आ गए हैं, और जूता मैंने ले लिया है, ये इसके अंदर जूता लिया भाई, और ये बाज़ार है खुटी का, जूता लिया है 800 का, अभी चलते हैं। भाई साहब 2 जूते मैंने ले लिए हैं, एक शवाब भाई के लिए और एक उनके दोस्त के लिए, तो शूज़ लेने थे वो नहीं मिले। अभी चाय पीने को दिल कर रहा है, चाय मैं अक्सर पीता हूँ ज़्यादा सर्दियों में, तो कोयटा टी स्टाइल पे आए हैं, किधर से पीते हैं। पियाने लगी जी चाय, तो वो पीते हैं। टी स्टाइल वालों की चाय बड़ी टेस्टी और जायकेदार, ठीक है, मैंने लगाया है स्पेशली। कभी दिल करता तो इधर से आगे देते हैं, ज़्यादा नहीं है 2-3 दिन बाद, कभी इधर का चक्कर लगे तो फिर देते हैं, तो टेस्टी। हमने भी एडमिशन ले लिया है बीबीए में, तो ये 10 तारीख के बाद इधर से
चला जाएगा। नवत्री कृष्ण में फेयरवेल पार्टी देनी है, इसकी बर्थडे भी है, तो वो भी इंशाल्लाह ब्लॉग बनाएंगे। तो फिर वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे ब्लॉग के साथ। अपने बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना डेढ़ साफ ख्याल रखिएगा, अपने भाई को दें इजाज़त।